कि महाराज जिस टीम का कमांडर मजबूत होता है उसके सिपाहियों को अपने कमांडर को देख देख करके हौसला मिलता है। बहुत विनती की कि आप ये आमरण अनशन जो है ये शब्द वापिस ले लें। मैं तो ये चाहता हूं कि हर 15 मिनट के बाद एक लंबा गिलास जूस का महाराज को दिया जाए, इनको इतना ताकत दी जाए कि इनके नूर को देख देख करके, इनके स्वरूप को देख देख करके हम जैसे सिपाहियों को अतिरिक्त ऊर्जा इनसे मिलती रहे, ताकत मिलती रहे। लेकिन महापुरुष अपनी रजा में होते हैं, वो अपनी मर्जी के धनी होते हैं और वो हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए उनके आदेश में रहना हमारी लिए जरूरी है। मैं सबसे पहले पूजनीय 108 संत कुलवंत राम महाराज जी के लंबी उम्र की कामना करता हूं, उनके निर्विघ्न जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भगवान गुरु रविदास जी महाराज हमेशा अपना आशीर्वाद और अपनी भक्ति शक्ति महाराज को बख्शीश करते रहें। इस लड़ाई में मिशन तुगलकाबाद के तमाम सिपाही महाराज के पावन चरणों में हाजिर हैं, जहां उनका आदेश जैसा होगा हम उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, मैं उन भाइयों को भी हृदय से नमन करता हूं, 7 दिन पहले उन्होंने यहां पर लंगर दिया और कल से मैं मनोज पत्रकार को और उनके परिवार को देख रहा हूं। उनके साथ साथ हमारे जो देवनगर के प्रधान साहब हैं माननीय धर्मवीर जी, उनकी तमाम टीम को भी मैं देख रहा हूं, बराबर वो सेवा में समर्पित हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं कि जो कौम के लिए आगे आकर के सेवाएं दे रहे हैं। पूजनीय 108 संत किशननाथ जी महाराज जो यहां से जा चुके हैं, उन्होंने कुछ विचार अपने रखे और मैं उन तमाम विचारों से सहमत हूं कि एक और वो भी सरकार है जो सदगुरु नानक देव जी महाराज के लिए पाकिस्तान के किसी बादशाह ने जमीन दी, उस जमीन पर दूसरे लोगों ने समय के साथ साथ कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में उनकी नियति में फर्क आया और उन्होंने अपने नाम उस जमीन को कराना चाहा, तो वहां के कोर्ट ने मना कर दिया कि यह हजरत नानक देव जी के नाम से जमीन है, ये तुम्हारे नाम नहीं हो सकती। साथियों, यहां की सरकारों का खेल देखें आप, 12 बीघा 7 विश्वा जमीन राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में, जो श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमार वाला जो हर तुगलकाबाद के लिए उस रिकॉर्ड में अंकित है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा खेल यहां की सरकारों ने किया जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ऐसे घिनौने कृत्य करने की। आज वो कोर्ट का नाम लेकर के अपने पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं। साथियों, घर घर में उस महाग्रंथ का पठन किया जाता है जिसमें लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य गिला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानाम सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना थारी संभवामी युगे युगे। हिंदुओं का ये सबसे महान ग्रंथ है गीता। ये कहते हैं कि संतों की रक्षा के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए परमात्मा प्रकट होता है इस धरती पर। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 15वीं शताब्दी में ऐसा समय नहीं आया था भारत में जब यहां के हिंदू समाज की बहन बेटियों को जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करने वाले या इस्लाम को स्वीकार करने वाले
मुगल शासक या उनके आगे पीछे होने वाले जो शासक थे उन्होंने जबरदस्ती उनको अपनी पत्नी या रखेल बना करके रखा। हमारी बहन बेटियों पर जुल्म हो रहा था। यहाँ पर जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था उसी की चोटी कटवा दी जाती थी, जनेऊ उतरवा दी जाती थी और उसको मुसलमान बना दिया जाता था। यहाँ पर भयंकर तूफान था धर्मांतरण का, तो क्या उस समय जब ये धरती फूट फूट करके रो रही थी तब यहाँ पाप का बोलबाला नहीं बढ़ रहा था? तब तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य मौन धारण किए हुए थे और जो अपना मौन तोड़ने की कोशिश करता था तो उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। लेकिन जब यही काम संत गुरु रविदास महाराज जी ने किया, कौन सा काम? अन्याय को रोकने का, धर्मांतरण को रोकने का, बहन बेटियों पर अत्याचार को रोकने का, यहाँ के मानव समाज पर होने वाले उन तमाम आपदाओं को रोकने का जो मुगल शासकों की ओर से की जा रहे थे। तो तब यहाँ 3 दिन के प्रवास पर दिल्ली में गुरु रविदास महाराज जी आते हैं और वो 3 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक 1509 ईस्वी को तुगलकाबाद में रुकते हैं। उस समय के शासक सिकंदर लोदी ने जब ये सुना कि यहां पर गुरु रविदास आए हैं और हजारों कुष्ठ रोगियों को उन्होंने जीवन दान दिया है, निरोगी काया दी है, तो वो अपने गुरु शेख तकी के साथ वहां पर पहुंचते हैं और भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं और उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं। गुरु जी ने कहा था, देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सके जब लग मन शैतान। उन्होंने सिकंदर और उसके गुरु शेख तकी को यह नसीहत दी थी कि इबादत मन का विषय है। लोगों का मन अगर शैतान हो गया है तो इबादत का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, पहले मन को काबू करना होगा। तो सिकंदर को गुरुजी की शिक्षाएं वो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उन्हें अपने राजगुरु के रूप में स्वीकार किया। ये जमीन गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर उसी समय से चली आ रही है, लेकिन जो मंदिर बनाने का पूरा देश दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीटते हैं, वो लोग एक सोची समझी प्लानिंग के तहत 510 वर्ष पुराने इस मंदिर को गिरा देते हैं। सन 1986 से लेकर अब तक उस कमेटी को जिस तरह वहां सरकार की ओर से या कोर्ट की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है, एक स्वतंत्र देश में बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान जैसे इस भारत देश में बड़े ही शर्मगर्व की बात है। ऐसी उम्मीदें, ऐसी अपेक्षाएं, ऐसी आकांक्षाएं इन सरकारों से नहीं थी जो काम इन्होंने किया है। मंदिर कमेटी के प्रधान भाई ऋषिपाल जी जब वो अपनी कहानियां बताते हैं उस गांव के प्रति, तो अंदर से मन ये करता है कि ये लोग कैसे हैं जो इतना बड़ा इस चीज को यहां तक रखा करके ले आए। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने भाइयों को, 5-4 बजे के बाद में ये आरती हो जाती है और फिर यहां से समापन हो जाता है, वो एक बार तुगलकाबाद चलें, क्योंकि अन्न मतन को नवीन कहो, वेदों की बात प्राचीन बखानो, आगे पीछे की बात तजो, प्रत्यक्ष में देखो ताही को मानो, हाथ में रान कहता है चांदी जो निर्णय करके नहीं जानो, और कह रविदास सुनो भाई संतो अब मत ऐसी हट तुम ठानो। साथियों, वहां चल करके देखो, हमारे समाज के 400 लोग हैं और किसी को 1 इंच जमीन सरकारी पर अपना घर बनाने का मौका नहीं दिया उस समाज ने। कई कई बीघा जमीनों में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बना ली, लेकिन हमारे इस चमार जाति के समाज को, इस कौम के लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर भवन बनाने के लिए 200 गज जमीन तक नहीं दी गई, और आज ये 12 बीघे 7 बिस्वा जमीन गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर थी, जहां समाज पंडाल लगाकर अपनी बहन बेटियों के ब्याह शादी वगैरह भी कर लेते थे या वो अपना गुरु महाराज के कार्यक्रम करते थे,
बाबा साहब की जयंती मनाते थे, लेकिन आज उस जमीन को भी सरकार ने एक प्लानिंग के तहत उन लोगों से छीन लिया। यह लड़ाई साथियों स्वाभिमान की है, यह लड़ाई सम्मान की है। यह 40 करोड़ लोगों के साथ जो यहाँ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ उठाई गई लड़ाई है। यहाँ के आंदोलनकारियों को अपराधी बना दिया जाता है। साथियों ये सोचने की समझने की जरूरत है, सरकार की इस प्लानिंग को फेल करने के लिए, सरकार के द्वारा किए हुए इस जुल्म को, इस अत्याचार को, उसका विरोध करने के लिए पूजनीय 108 संत कुलवंत राम जी महाराज जी यहाँ पर आए हैं अपना पूरा मंडल के साथ में। हम महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपने जो भी ये संकल्प लिया है, ये कौम के कारण लिया है, उन 96 वीर सपूतों के कारण लिया है जो आज भी जेल की सलाखों में बंद हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके इस संघर्ष में हम आपके चरणों में सदैव हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी बहन भाइयों को कि 10 तारीख को ये मंदिर तोड़ा गया था। हमने पिछले 10 सितंबर को एक महीना पूरा होने पर महाराज सुखदेव जी के नेतृत्व में जो वहां पर वो पूजा कार्यक्रम किया था, साथियों माननीय केसी रवि साहब के मार्गदर्शन में जो वो पूजा का कार्य किया था, हमने वहां संकल्प लिया था कि ये 10 तारीख हमको इस भारत की सरकार ने दी है और वहां मंदिर बन भी जाए तब भी हम वहां की कमेटी के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि हर महीने की 10 तारीख को वहां पर मासिक सत्संग, गुरु महाराज की महिमा का गुणगान वहां हर महीने की 10 तारीख को निरंतर रहेगा। जब तक ये संघर्ष चल रहा है हम तब तक यहाँ आप लोगों के बीच में हैं। अगर उन गरीबों का हक सरकार उनको दे देती है, हमारे 96 बच्चों को वापिस छोड़ देती है, तो हम उसी दिन दिल्ली से वापिस चले जाएंगे अपनी झोपड़ियों को। हम वापिस नहीं आएंगे, हमें किसी की जमीन की जरूरत नहीं है, हमें किसी की दौलत संपत्ति की जरूरत नहीं है, हमारी नजर उन चीजों पर नहीं है। बंधुओं हमारा मांग ये है कि श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमार वाला जोहर तुकलकाबाद के नाम पर उस 12 बीघा 7 विस्वा जमीन को सरकार वापिस करे गुरु जी के नाम पर, और साथ में जो समाज 510 वर्षों से उस चीज की देखरेख कर रहा है, उस समाज के लिए उसकी देखरेख में वो चीज वहां पर सौंपी जाए। और जो हमारे 96 वीर जवानों को जो बिल्कुल निर्दोष हैं, केवल भक्ति और श्रद्धा के कारण मत्था देखने गए थे, आज जिनके परिवारों में एक मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, एक तरह से समाज तो पूरा उनके साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी जब समाज का मुखिया, परिवार का मुखिया उसके बीच में नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। पैसे से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि उन बच्चों से जो उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, भाई चंद्रशेखर के अगुवाई में जो बच्चे वहां पर मत्था टेकने के लिए गए थे, हम मांग करते हैं तुमने तो अपने मन में ये सोच लिया है कि इन बहुजनों का जो भविष्य है उसको धूमिल कर दिया जाए, इनके भविष्य को मिटा दिया जाए। साथियों एक छोटी सी बात कहकर बात खत्म करता हूं, जिसका तेरे बच्चों पर बखूबी प्यार है, मेरी बात को ध्यान से सुने, जिसका तेरे बच्चों पर बखूबी प्यार है वो तेरा दुश्मन नहीं, तुझसे भले तकरार है। कोई सरकार हमारे लिए कितना ही भी तकरार का रास्ता अपना ले, अगर उसका हमारे बच्चों से प्यार है तो हम समझेंगे कि वो हमारी दुश्मन नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे साथ कितना ही लड़ाई करे, अगर हमारे बच्चों को वो प्यार और आशीर्वाद देता है तो हम समझेंगे कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। जिसका तेरे बच्चों पर बखूबी प्यार है वो तेरा दुश्मन नहीं, तुझसे भले तकरार है, तुझसे है मोहब्बत, नफरत तेरी संतान से, त्याग दे तू उल्फत ऐसे मतलबी इंसान से। इस सरकार ने वो ही करके दिखाया है। हम लोग जाते हैं मीठी चुपड़ी बातें सुन करके, ऐसा दिलासा हम लोगों को दिया जाता है, संतों को दिया जाता है, वो वापिस चले आते हैं, लेकिन 96 बच्चों के साथ में जो बर्ताव बरता जा रहा है, जो जेल में उनके साथ में किया जा रहा है, उस बर्ताव के विरोध में हमारे संत यहाँ अमरण अनशन पर बैठे हैं। मैं उनके इस मिशन का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और मिशन तुगलकाबाद का तमाम जो कमेटी है वो उनके साथ, उनके चरणों में हमेशा हाजिर है। जय भीम, जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी, जय भारत।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।